क्या जितेंद्र अवार्ड ने क्या बोला? जालिम है, बाप को मार डाला, भाई को मार डाला, लूट लिया, उनकी जिंदगी क्या थी? हमारे लोग को ठेस पहुंचा रहा है, वो नहीं दिख रहा है, वो नहीं पढ़ो ना उसमें क्या लिखा है। कौन से माफी मांगे और अपने अल्फाज वापस ले, अगर उसको यहाँ उमरा में रहने का, मैं तो उमरा में आने देने वाले नहीं हूँ। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अवार्ड ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर टिप्पणी की, उसके बाद से मुमरा की राजनीति में काफ़ी गर्माहट आ गई। आज दोपहर जुमा के नमाज के बाद मुमरा शहर में बैनरबाजी और पुतला जलाने, और पुलिस ने किसे हिरासत में लिया और नईम खान ने किसे कहा कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे मुमरा में आने नहीं देंगे। शहर में पुलिस का बड़ा बंदोबस्त कहां कहां पर लगा रहा। आज दोपहर जुमा के नमाज के बाद शहर में क्या क्या हुआ, ये सब आपको इस खबर में बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि जितेंद्र अवार्ड ने जो टिप्पणी की, सबसे पहले MIM के सैफ पठान ने FIR दर्ज कराने की मांग की मुमरा पुलिस स्टेशन में, और FIR दर्ज कराने को लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन के ये चक्कर भी लगा रहे हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी की भी इसी मुद्दे पर एंट्री होती है कि FIR नहीं हुई तो पुतला जलाएंगे, और आज दोपहर में जुमा के नमाज के बाद नईम खान ने जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ धिक्कार बैनर के साथ मुमरा की सड़कों पर एंट्री मारी। इस दौरान बैनर की वजह से काफ़ी हंगामा हुआ। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने कल ऐलान कर दिया था कि जितेंद्र अवार्ड का पुतला जलाया जाएगा। सपा के जितने कार्यालय हैं आज सब जगह पर पुलिस का भारी बंदोबस्त लगा दिया गया। दोपहर में जुमा की नमाज के बाद सपा के ठाणे अध्यक्ष बादशाह सैयद को मुमरा पुलिस ने हिरासत में लिया और पुलिस स्टेशन लेके गई, जिसके बाद मुमरा अध्यक्ष कलीम जमई को भी पुलिस अपने साथ मुमरा पुलिस स्टेशन ले गई और इन्हें नोटिस देकर छोड़ दिया गया। इस वजह से ये पुतला जलाने की बात तो दूर, सड़क पर भी विरोध नहीं दर्ज करा पाए। मगर वहीं नईम खान ने जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ सड़क पर बैनर लगाया। मुमरा शहर में कई जगह पर विधायक जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ धिक्कार बैनर लगाए गए। ये बैनर जन विकास फाउंडेशन की तरफ से नईम खान ने लगाया था। जितेंद्र अवार्ड पर गुस्ताख शब्द का उल्लेख किया गया था। साथ ही जितेंद्र अवार्ड के साथ मुमरा कौसा के NCP के मुस्लिम नगर सेवक और कार्यकर्ताओं पर उल्लेख करते हुए लिखा गया था कि क्या ये लोग गुस्ताख के साथ हैं या फिर वली अल्लाह के साथ। हालांकि बैनर लगने के आधे घंटे के अंदर ही मनपा ने इन बैनरों को उतारने पहुंची, और जिसके बाद नईम खान और मनपा कर्मचारियों के बीच में काफ़ी बहस हुई, मगर मनपा ने कार्रवाई कर बैनर को उतार दिया। इस पूरे मामले को लेकर नईम खान ने कहा है कि अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मुमरा में नहीं आने देंगे। किस तरह से आज जुमा के नमाज के बाद मुमरा की सड़कों पर बैनर लगाने पर जो है हंगामा हुआ, पुलिस मौके पर पहुंची, मनपा ने कार्रवाई करके ये बैनर उतारा, इस दौरान किस तरह से बहस हुई, नईम खान ने क्या कुछ कहा है और समाजवादी पार्टी के मुमरा अध्यक्ष कलीम जमई ने भी क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। अवार्ड कुछ भी बोलते रहेगा, उछलता रहेगा क्या? राय को साहब को बताओ, दिखता नहीं क्या? आज वो दिख रहा है क्या? हमारे हमारे को फेस फैसला रहा है बोल के, हमारे वाली उल्ला को कुछ भी बोल रहा है, वो चलता है क्या? अब इसमें अब और भी देखो, निकाला और निकाला है क्या? नहीं निकाला है, कल निकालो, कल निकालो, परसों निकालो, ये क्या अभी लगाया, अभी निकाल रहे हो? अभी एक आधा घंटा भी नहीं लगा, कल निकाल लो, बोल ना बोल रहा है दादा की हुई है काम का, ये तो उसी का चल रहा है क्या? निकालना नहीं इसको, एक एक महीने से बैनर छोड़ेंगे, बड्डे का लग रहा है, सब लग रहा है,
खाना खा रहे वो लग रहा है, खग रहे वो लग रहा है, और हमारे लोग को ठेस पहुंचा रहा है वो नहीं दिख रहा है क्या? वो नहीं पढ़ो ना उसमें क्या लिखा है। अरे तुम निकालो ना, निकालो कोई बात नहीं है, निकालो। सब लगा हुआ है, दो महीना हो गया, एक एक महीना कुछ भी लगा रहे हैं। नहीं भाई, नहीं भाई, क्या मामला है, क्या हुआ? ये मामला ऐसा है कि आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि जितेंद्र अवार्ड ने क्या बोला हमारे औरंगजेब के बारे में, क्या बोला हमारे रहमतुल्ला है वो, अरे हजरत है। आपको अगर मुसलमानों की कहानी नहीं मालूम तो जाकर पढ़ लो, किताबें पढ़ लो, फिर कुछ बोलो। जालिम है, बाप को मार डाला, भाई को मार डाला, लूट लिया, उनकी ज़िंदगी क्या थी? उन्होंने कुरान शरीफ अपने हाथ से लिख के उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई। आज मुसलमान इतना सुस्त हो गया है कि कुछ कोई भी बोल तो उसके ऊपर असर नहीं होता। मनपा के लोग बैनर उतारने आए थे, जो आपने बैनर लगवाया है, क्या हुआ, क्या बोले? कोई नहीं, वो बोले हमको ऑर्डर है जितेंद्र अवार्ड को उतार दो, उतार दो तो इतने जल्दी उतार दो, आधे घंटे, ये एक एक महीने से लगे बर्थडे के बैनर लगे, दुनिया भर के बैनर लगे, वो उतारने को नहीं होता तुम्हारे, तो आज मत उतारो, कल उतारो, अच्छी बात नहीं है ना। ऐसे बैनर आपने लगवाए हैं, म्यूनसिपैलिटी इनको हटाना चाह रही है, आपका अगला कदम जो है वो क्या रहेगा? हमारा कदम ये रहेगा कि कौम से माफ़ी मांगे और अपने अल्फाज वापस लें, अगर उसको यहाँ उमरा में रहने का, नहीं तो हम उमरा में आने देने वाले नहीं। आपकी तरफ से अभी कुछ किया जाने वाला है? अभी करेंगे, बताएंगे अब। आप किसको आने नहीं देने वाले उमरा में? जितेंद्र अवार्ड, हम उसको आने देने वाले नहीं। कौन से माफ़ी मांगे, किसका माफी, हम किधर ना बोले। उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने जो कहा है, जो हो चुका है वही शब्द उन्होंने कहा है। क्या हो, हिंदू मुस्लिम का औरंगजेब ने ऐसा किया है, हो चुका है, क्या हुआ? बोले इतिहास में जो हुआ है वही उन्होंने कहा, ऐसा उनका कहना है। क्या क्या इतिहास में जो हुआ है वही उन्होंने, इतिहास में क्या हुआ है पढ़ ले ना, उनका इतिहास भी पढ़ ले, अगर हमको मत बताओ, हम हमारी कौम का इतिहास पढ़ लो ना, अब हमारे बच्चों को क्या लाइन सिखाना चाह रहे हो? तो वो गलत आदमी थे, रहमतुल्लाह का टॉर्चर हम लोगों ने नहीं दिया, ये बताओ ना, हमने दिया, हमने नहीं दिया रहमतुल्लाह का, कल तो हमारे नबी के बारे में बोले और बोली लाए, बीजेपी वाले बोल रहे हैं, मुसलमान क्या कर रहे, ऐसी बात नहीं है। आप लोग आंदोलन करने वाले थे, पुलिस ने आप लोगों को नोटिस भी दिया, आप लोग मुंब्रा पुलिस स्टेशन बुलाए गए थे और बादशाह को शायद पुलिस ने हिरासत में भी लिया था, क्या अभी पुलिस से बातचीत हुई है आपकी? हमने अपना ज्ञापन दे दिया उनको, जो भी फर्दर उसका इन्वेस्टिगेशन है, जो भी कार्रवाई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई जिस तरह है, जो भी प्रोसीजर में है, किया जाएगा। और हम लोगों ने जहाँ तक वो हमारा पुतला फूकने का कार्यक्रम था, चूँकि 188 का नोटिस दिया गया, हम कानून पालन करने वाले हैं, कानून को तोड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए हम लोगों ने कानून के दायरे में रह करके अपना जो भी काम था वो हमने किया और प्रशासन आकर के अपना मेमोरेंडम दिया। और बादशाह के जहाँ तक कस्टडी का सवाल था, वो उस वक्त हमारी, चूँकि इनकी हमारी जो बात हुई थी वो ऑफिस पर आने की हुई थी, जो सेंट्रल हमारा ऑफिस है, जो ऑफिस आकर के हम यहाँ आएंगे पुलिस स्टेशन, लेकिन पुलिस ने उनको यहाँ आने नहीं दिया, बल्कि अपने साथ लेकर के पुलिस स्टेशन चली आई, तो इससे लगा कि एक कस्टडी में लेकर के कहीं उनको गिरफ्तार न कर लिया गया। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि ऐसा कोई बात नहीं थी, गिरफ्तारी नहीं थी, हाँ उनको बजाय ऑफिस आने के सीधे लेकर चौकी चलाया गया। तो अभी FIR जो कराने की मांग है वो क्या बताया? जी, FIR की बात चूँकि वो तक पुलिस स्टेशन का कांड है, वहाँ पे जो केस दर्ज होना है होगा, हमने इनको निवेदन दे दिया है कि, लेकिन वहाँ की पुलिस जो है, MIM के लोग गए थे, वहाँ की पुलिस ने कहा है कि ये मुंब्रा पुलिस स्टेशन में ही होगा। मुंब्रा के लोग कहते हैं कि वहाँ होगा, जबकि ये सही बात है कि वो जो इन्होंने कहा, कहते हैं ये मुंब्रा पुलिस स्टेशन वाले कहते हैं कि जहाँ की घटना, जहाँ पे स्टेटमेंट हुआ है, जहाँ वो रहते हैं, मुकदमा वहीं दर्ज होता है, ये नियम है CRPC का, तो वहाँ दर्ज होगा, तो हम वहाँ जाएंगे दर्ज कराएंगे, अगर वो हमसे कहेंगे इस तरह तो हम बताएंगे।
क्या आप हमको बताइए, अगर भावना भावनाएं आहत करने की बात है तो जहाँ जिसकी भावनाएं आहत होती है वो वहीं पर उन पर मामला दर्ज करवाता है ना। हाँ, भावनाएं हमारी आहत यहाँ हुई हैं, लेकिन हमने इनको जो भी सूचना देनी थी हमने सूचना दे दिया। मुकदमा ये निवेदन कम एक एप्लीकेशन ज़्यादा है। कल वो हमने कल वो आसिम आजमी साहब का भी एक प्रोग्राम है, उसको लेकर क्या क्या पुलिस ने, बाकी सारा कुछ जो कुछ है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अबू आसिम आजमी साहब आ रहे हैं, इसका बाकी वो आप लोगों को जो भी होगा मंच से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताएंगे।